दीजिए, बाद में उसको रेगुलराइज कर दीजिए। इस माध्यम से 60,000 से ज्यादा लोग रेगुलराइज हुए 94 के बाद से। सुप्रीम कोर्ट की कंप्लीट वायलेशन थी ये, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी कंप्लीट वायलेशन थी। इस वक्त गवर्नमेंट इस तरह के कोई काम बर्दाश्त नहीं करती है। इसी तरह से कोई लाख लोग डेली वेजर लगा दिए गए कहीं से भी उठा करके, कौन सी प्रोसेस थी? कंप्लीट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको भी रेगुलराइज करने की बात चलती रही। 520 लाया गया, वो भी कंप्लीट वायलेशन था। नियुक्तियों में पारदर्शिता अब आई है, और मुझे बहुत खुशी है कि आज सब लोग पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता है। पर मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 2.5 लाख लोग जेएनके के में सरकार के माध्यम से पैसा लेते हैं, जो इरेगुलर ढंग से कभी न कभी लगे हैं।